तो दोस्तों आज बात करते हैं Vivo S1 और Vivo V17 के बारे में, जो कि Vivo के दो डिवाइस हैं। दोनों में ही आपको नेट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो इन्हीं दोनों डिवाइस के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस आपको इन दोनों में देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस बहुत है। अगर बेस वेरिएंट की बात करें Vivo S1 के, तो 4GB 128GB का प्राइस है 16,000 रुपये। वहीं Vivo V17 में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसका प्राइस है 23,000 रुपये। तो जो प्राइस का डिफरेंस है, इसमें आपको क्या क्या चीजें अलग अलग मिलने वाली है, कहाँ Vivo S1 ठहरता है, कहाँ V17 ठहरता है, यही चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं डिजाइन से। तो दोस्तों ये डिजाइन आपको देखने को मिलता है Vivo S1 और Vivo V17 में। अब यहाँ बात करें अगर एक दूसरे के कौन सा बेहतर है, तो भाई दोनों ही डिवाइसेस यहाँ एकदम अमेजिंग लगते हैं। दोनों ही डिवाइसेस एकदम खूबसूरत हैं। फ्रंट पर दोनों में ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कुछ डिफरेंस है वो इसी का है कि यहाँ पर आपको मिलता है V17 में पंच होल डिस्प्ले, वहीं Vivo S1 में आपको मिलता है U-टाइप नॉच डिस्प्ले। बाकी का दोनों ही डिवाइसेस में आपको ट्रिपल स्लॉट दिए गए हैं, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस में आप SD कार्ड और दोनों सिम एक साथ यूज कर सकते हो। इसके अलावा डिमेंशन की बात करें तो Vivo V17 की स्लिमनेस है 8.5mm, वहीं Vivo S1 की है 8.1mm। वेट भी दोनों का लगभग सेम है, यानी कि Vivo S1 आता है 179g वेट के साथ, वहीं Vivo V17 का वेट है 176g। ओवरऑल भाई दोनों ही डिवाइसेज यहाँ एकदम अमेजिंग हैं। डिजाइन में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दोनों ही डिवाइसेज से। देखने में दोनों ही डिवाइसेज एकदम प्रीमियम लगते हैं। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो Vivo V17 में आपको मिलता है 6.4 इंच का एमोलेड पैनल, वहीं Vivo S1 में आपको मिलता है 6.3 इंच का एमोलेड पैनल, यानी कि दोनों में ही आपको एमोलेड पैनल मिलता है। जो डिफरेंस है वो रहेगा नॉच टाइप का। Vivo S1 में आपको मिलता है छोटा सा यू टाइप नॉच, वहीं V17 में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, यानी कि साइड में कैमरा दिया गया है पंच होल डिस्प्ले वाला। तो ये कुछ डिफरेंस आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। बाकी का दोनों में ही एमोलेड पैनल है, तो कलर्स वगैरह दोनों में ही आपको एकदम कमाल के देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ डिस्प्ले पर देख सकते हो, दोनों में ही आपको अमेजिंग कलर्स मिलते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में Vivo V17 में आपको थोड़े से ज़्यादा अमेजिंग कलर्स नजर आएंगे एज कम्पेयर टू S1, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस की ब्राइटनेस भी अमेजिंग है। दोनों ही डिवाइसेस को आप आउटडोर में बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ कंपेयर करें, तो यहाँ Vivo V17 की ब्राइटनेस S1 से ज़्यादा बेहतर है। बात करें अगर UI फीचर्स की, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है Vivo का खुद का फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम। और फीचर्स की बात करें तो वो दोनों में ही आपको लगभग सेम देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोनों में ही आपको वॉलपेपर एंड थीम स्टोर दिया गया है। दोनों में ही आप अपने अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों में ही मिल जाते हैं, मोटरबाइक मोड वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइस में कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, और यही सारे फीचर्स आपको Vivo V17 में मिल जाते हैं। ये है दोनों ही डिवाइस का क्विक एक्सेस पैनल, जहाँ पर जरूरी सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्मार्ट मिररिंग, कैलकुलेटर, वाईफाई, हॉटस्पॉट, स्प्लिट स्क्रीन का भी, इसके अलावा पावर सेविंग मोड का भी, मतलब सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ दोनों ही डिवाइस में मिल जाते हैं। बात करें अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो वो दोनों का ही एकदम अमेजिंग है। अब बात करते हैं कैमरे की, तो Vivo S1 में आपको मिलता है रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप, वहीं Vivo V17 में आपको मिलता है रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप। अब स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो S1 में रियर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर साइज है 1.8 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। इसके अलावा यहाँ आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसका अपर्चर साइज है f2.0। वहीं बात करें अगर अपने Vivo S1 के बारे में, तो यहाँ पर प्राइमरी कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर साइज है 1.8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। और यहाँ भी आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसका अपर्चर साइज है f2.0। कैमरा फीचर्स की बात करूं, दोनों ही डिवाइसेस में आपको ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड रियर और फ्रंट दोनों के लिए, ये आपको दोनों ही डिवाइस में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। Vivo V17 में मुझे नाइट मोड भी मिला, लेकिन Vivo S1 के अंदर मुझे नाइट मोड कहीं भी देखने को नहीं मिला। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो Vivo S1 से आप केवल फुल HD तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको 60fps का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वहीं Vivo V17 की बात करें, तो यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का तो सपोर्ट मिलता ही है, साथ ही साथ आप फुल HD वीडियो 60fps पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है Vivo V17 वर्सेस Vivo S1, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उसे जरूर देख लें। बाकी का इन शॉर्ट बात करें, तो मिली जुली परफॉर्मेंस दोनों से देखने को मिलती है। जैसे कि अगर रियर कैमरे के मैक्रो शॉट की बात करें, तो उस कंडीशन में V17 में आपको अच्छा कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डिटेलिंग की बात करें, तो 48 मेगापिक्सल जैसी और वहां पर 16 मेगापिक्सल का Vivo S1 में दिया गया है कैमरा, तो उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि 48 मेगापिक्सल का जब आप कैमरा मोड यूज करते हो Vivo V17 में, तो उस कंडीशन में आपको डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, लेकिन डिटेलिंग में ये S1 से थोड़ा सा बेहतर होता है। लेकिन मैक्रो शॉट लेते
रैम दोनों में ही आपको अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा वाइड एंगल शॉट्स की बात करें तो वो भी आपको वीवो V17 में ज़्यादा अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर डायनेमिक रेंज आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है, यानी कि वीवो S1 में आपको मिलती है एकदम कमाल की सेल्फी जो कि देखने में एकदम अमेजिंग लगती है, लेकिन नेचुरल सेल्फी नहीं है। वहीं वीवो V17 की बात करें तो सेल्फी अच्छी भी लगती है और नेचुरल भी लगती है। तो अगर आपको एकदम अमेजिंग सेल्फी चाहिए जिसका नेचुरलिटी या फिर रियलिटी से कोई वास्ता ना हो, तो फिर वीवो S1 की सेल्फी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन आपको अच्छी सेल्फी तो चाहिए लेकिन थोड़ी सी नेचुरल भी दिखनी चाहिए, तो उस कंडीशन में वीवो V17 ज़्यादा बेहतर है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ भी वीवो V17 ज़्यादा बेहतर है, आपको अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा 60fps का सपोर्ट भी मिलता है और 4K तक का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि वीवो S1 में केवल आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, वो भी 30fps पर। हार्डवेयर की बात करें तो वीवो S1 में आपको मिलता है हेलियो P65 प्रोसेसर, वहीं V17 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर। ये है N22 बेंचमार्क स्कोर, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा डिवाइस किस चीज़ में कैसा है। तो फिर चाहे बात हो कॉमन यूज की या फिर हो गेमिंग की, दोनों ही कंडीशन में वीवो V17 S1 से बेहतर है। वहीं बात करें अगर मल्टीटास्किंग स्कोर्स की, तो 4GB वाला वेरिएंट मैंने यहाँ यूज किया है वीवो S1 का, और उसका भी N22 बेंचमार्क स्कोर लगभग 8GB वाले वीवो V17 के बराबर है। लेकिन प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो उस कंडीशन में वीवो V17 का 8GB वेरिएंट S1 के 4GB वेरिएंट से बेहतर है। इसके अलावा अगर 6GB वाला वेरिएंट यूज करते हैं तो हो सकता है मल्टीटास्किंग में भी दोनों लगभग सेम हो जाएं। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें या फिर कॉमन यूज की, जैसे कि ऐप लॉन्च करते टाइम या फिर मल्टीटास्किंग में एप्लीकेशन के बीच स्विच करते टाइम, उस कंडीशन में वीवो V17 S1 से ज्यादा बेहतर है। बैटरी बैकअप की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, और दोनों ही डिवाइसेज 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो यही था मेरा वीवो S1 और V17 के बीच फुल कंपैरिजन। सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन से लेकर UI फीचर्स, इसके अलावा डिस्प्ले और कैमरा, हार्डवेयर सारा आपको बता दिया कि आखिर इस प्राइस डिफरेंस में आपको क्या क्या डिफरेंस इन दोनों ही डिवाइस में देखने को मिलते हैं। और यहाँ से आप क्लियर हो गई होगी कि आपके लिए वीवो S1 ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर वीवो V17। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।